सर्वैतं सावभूतं परिजनसहितं कृष्णा चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखानितांस ॐ ज्ञानतिमिरांजस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नामयं गुरुदेवाय धीमते सममूर्तये श्री श्रीमद्भक्ति श्रीरूप सिद्धान्ति प्रभवि श्रीमहात्मने शास्त्रयुक्तिं ततस्तत्र विप्रतिपतिनाशने श्रीसारस्वतगौड़ीयाधीश सेवाप्रकाशने नामयं विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणेति नामिने श्रीकृष्णलीलाकथने सुदक्ष औदार्यमाधुर्यगुणैश्चयुक्तं वरं वरेण्यं पुरुषं महान्तं नारायणमिष्टं शिरसा नमामि नामयं विष्णुपादाय आचार्य सिंहरूपिणे श्री श्रीमद्भक्तिवेदा प्रज्ञान केशवति नामने अतिमर्थचरित्राय स्वाश्रितानं च बालिने जीवदुखे सदात्राय श्रीनामप्रेमदायिने नामयं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती नामिने हरिवारसभानवदेवी दयिताय कृपाद्वये कृष्ण सम्बन्ध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः माधुर्योज्वल प्रमाढ श्रीरूपानुगभक्तिद श्रीगौरकरुणाशक्ति विग्रहाय नमस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दिनतारिणे श्रीरूपानुगविरुधाव सिद्धान्त दन्तहारिणे नमो गौरवीश्वराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरसाम्बुधे पादाम्बुजाय ते नमः नाम भक्तिविनदाय सच्चिदानन्दनाम्ने गौरसखीस्वरूपाय रूपानुगभराय ते गौराविर्भावमिष्टं निर्दिष्टा स्वजनप्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदेवि सत्यवत्यै नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे दावनाला समा संसार दहनी दग्ध जीव कुला Oh,
Thank you.
कृष्ण जय Yeah.
हरि हरि कवे मन हरि विष्णुदे Thank you.
Thank you.
राधा भजन यतु मति नाहि भेला Yeah.
ॐ अज्ञानतमिरां दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय यैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द हरियाद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोदर शत श्री श्री श्रीमाद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोदर शत श्री श्री श्रीमाद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। हम लोग गतकल्य श्रवण कर रहे थे जब जब श्री ध्रुव जी को सामने ठाकुर जी प्रकट हुए। प्रकट होते ही अभी ध्रुव कुछ भगवान को बोलना चाह रहा है, लेकिन भगवान ने अनुभूति किया है, वो तो बोलना चाह रहा है लेकिन बोल नहीं पाए। बोले क्यों? बोले वो तो स्कूल गया नहीं, पढ़ने गया नहीं, संस्कृत उसको पता नहीं, फिर वो भगवान को स्तुति कैसे करेगा। भगवान यह चीज को समझ करके कहते ब्रह्ममयेन कम्पुना देवतात्मक संखम। कहते उन्होंने जो ब्रह्ममयेन संभुना, कहते उनका जो दिव्य संख है, जो पांचजन्य संख है, तो उन्होंने उसको कपल पर उन्होंने स्पर्श कराया। स्पर्श कराते ही कहते ईश्वर दत्त दिव्य ज्ञान उनके हृदय में प्राप्त हुई। बोले वो कौन सा ज्ञान है? कहते परमात्मा और जीवात्मा विषय का संबंध ज्ञान स्फूर्ति। इसलिए वास्तव रूप में जीव कौन है और ये भगवान कौन है, यही दिव्य ज्ञान है। हैं जीव स्वरूप है कृष्ण है नित्य दास। हम जो भगवान का नित्य दास जो नित्य सेवक है, ये जो ज्ञान उसका हृदय में स्फूर्ति प्राप्त हुई। स्फूर्ति प्राप्त होने पर उन्होंने भगवान को भक्ति जनित प्रेम परिप्लुत दिव्य स्तुति, फिर उन्होंने भक्ति को द्वारा परिप्लुत होकर के भगवान को दिव्य स्तुति करते ही कद ज्वंत प्रविश्य माम वाचम मीमाम प्रसुप्तम संजीवयत खिल शक्ति धर स्वधामना अन्यास्त हस्त चरण श्रवण त्वगादीन प्रणान प्राणान नाम भगवते पुरुषाय तुभ्यम। क्या स्तुति कर रहे हैं? कहते हे प्रभु जिन्हें चक्षु आदि समस्त ज्ञान क्रिया शक्ति धारण करे। कहते भगवान के अंदर में क्या, हमारे जो चक्षु समस्त जितने ज्ञान और जितने क्रिया शक्ति को कौन धारण करते हैं? बोले भगवान ही। ये सब के सब धारण करने वाले भगवान ही। इसलिए कहते हे प्रभु अब क्या करो, जब आप ही हमारे सारे चक्षु समस्त ज्ञान को क्रिया शक्ति को धारण करते हैं, इसलिए आप हमारी अंतकरण अंदर में प्रविष्ट होकर के हमारी जो सुप्त जो बात शक्ति एवं हस्तादि इंद्रिय सकल का जीवित करे छे। आपने क्या किया? कहते हमारी अंदर में जो सुप्त जो सो करके रहा हुआ हमारी अंदर में जो बात शक्ति जितने इंद्रिय का जो जीवित अपने कृपा करके हमारी अंदर में जीवित कर दिया है। इसलिए ऐसे जो अंतर्ज्यामी भगवान
मैं उनको नमस्कार करता हूँ। तो ध्रुव जी भगवान को नमस्कार किया, तब इसमें श्री विश्वनाथ चतुर्थ ठाकुर ये श्लोक ऊपर में टीका में क्या कहते हैं, कहते ध्रुव जी का ये जितनी स्तुति है, कभी होता है ना सोचते हैं अरे भक्त लोग तो अनपढ़ है ये क्या बोलेगी, जैसे श्री हरिदास ठाकुर जी को महाप्रभु बोले ना हरिदास तुम मेरे वंदना करो, जैसे श्रीधर को भी महाप्रभु बोले, बोले श्रीधर मेरे स्तुति करो, बोले प्रभु जी मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, गमार लिखा पढ़ा जानता नहीं, मैं स्तुति क्या करूँगा, भगवान क्या कहते, बोले तुम जो कुछ बोलोगे वो सब के सब मेरी स्तुति है। तब श्रीधर ने जो स्तुति की भगवान को हैं, जो उनने स्तुति किया श्रीधर को, जिसको भक्त लोग सुन सुन करके आश्चर्यचकित हो गए, इतने अनपढ़ एकदम स्कूल जो गया नहीं, जो क्या बेचता था केले, केले का पत्ते, केले का फूल जो बेचने वाले रोड में, कहते वो इतनी सुंदर स्तुति कर रहा है, जिसको सुन सुन करके बड़े बड़े विद्वान लोग भी स्तंभित हो जाते हैं। हरिदास ठाकुर को स्तुति सुनकर महाप्रभु का भक्त लोग भी स्तंभित हो गए, बोले कारण क्या, बोले कारण है जब भगवान की भक्ति हृदय में प्रकट हो जाती है, प्रकट होने पर उनका जितने जड़ इंद्रिय सब के सब स्फूर्ति प्राप्त हो जाता है। इसलिए यहाँ विश्वनाथ को हम कह रहे हैं, कहते ध्रुव जी ने जितने स्तुति किया है ये मत समझो ये अनपढ़ कोई जानता नहीं, बोले नहीं, वो सब के सब वेद वेदांत उपनिषद जितने सारे शास्त्रों का सब के सब निचोड़, कहते वेदार्थ है, कहते विद्वान लोग कौन शंका करे ना, कहते जो विद्वान लोग उनका जो स्तुति है विद्वान लोग उनको स्तुति में कोई शंका नहीं करते, बताओ ये स्तुति को कौन कौन पढ़ते, जो बड़े बड़े विद्वान लोग हैं संस्कृत में जो धुरंधर है वे लोग ध्रुव जी का स्तुतियों को श्रवण करते हैं। अभी उन्होंने क्या देखा, हठात उनकी इंद्रियों के अंदर में भगवत उन्मुख देखा, इंद्रिय अपने आप सबके सब जागृत हो गया, उन्होंने ये चीज को अनुभूति उन्होंने किया है, उन्होंने क्या दिखा, मतलब उनका जितने इंद्रिय अप्राकृत तत्व को प्राप्त किया और सख्या और भगवान की जो अतुलनीय उनको जो निरुपाधि की जो कृपा है साक्षात उनकी अनुभूति का विषय हुआ है, उन्होंने ये चीज को अनुभूति किया, अनुभूति करते हुए उन्होंने भगवान को चरण में नमस्कार किया। उसमें एक शब्द आता है स्वधाम, स्वधामना, कहते हैं स्वधामना का मतलब क्या होता है, बोले जो अपना चीत शक्ति को द्वारा त्वदीय दास अमार बाक इंद्रिय के अपना स्वरूप गुण लीलादि वर्णन योग्य करिया छेन, कहते स्वधामना मतलब होता है जो अपना चीत शक्ति को द्वारा भगवान की त्वदीय दास, जीव जो भगवान का दास है हैं और हम जो भगवान की सेवक है, उनने क्या किया बाक इंद्रिय अपना स्वरूप गुण लीलादि वर्णन, उनका जो बाक इंद्रिय कहते भगवान की जो स्वरूप और गुण और लीला को उन्होंने देखा वर्णना योग्य, भगवत उनको इंद्रिया वर्णना की योग्य हो गया है। कहते प्रसुप्ता, उसमें एक शब्द आया है प्रसुप्ताम, प्रसुप्ताम मतलब क्या है, कहते अभी तक उनका जो इंद्रिया क्या हुआ था, उनका सोया हुआ था, किंतु उन्होंने देखा उनका जो इंद्रिय उनने एकदम जो सोया हुआ इंद्रिय सब के सब जग गया है। कहते संजीवयती, संजीवयती मतलब कहते हैं जैसे कोई मृत व्यक्ति जैसे जग जाए, कहते अभी तक उनका जो इंद्रिया सब के सब निस्तब्ध था है, सब के सब सोया हुआ था, लेकिन जैसे मृत व्यक्ति जग जाता है उसी तरह इनका इंद्रियों को उन्होंने देखा सब के सब जगा हुआ, उन्होंने अपना इंद्रियों को उन्होंने देखा प्राण युक्त हो गया, ये एक अर्थ है। दूसरा अर्थ कहते हैं, कहते हाँ स्वाभाविक रूप में हमारे इंद्रिया क्या करता है, ये साधारण इंद्रिय हमारे अन्न दाल रोटी हैं, ये प्राकृतिक विषय को जीव हमारे इंद्रिया भोग करती है, हमारे जो स्वाभाविक जो इंद्रिया हैं ये जड़ विषय को हमारी इंद्रिया भोग करती हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने क्या देखा एकांता के बिना ये जो सोया हुआ इंद्रिया है जो जड़ विषय को भोग करता है, उन्होंने क्या देखा
शब्द सब बदल गया, शब्द सब बदल करके इनका इंद्रिय जागृत हो गया। जागृत होकर क्या कर रहा है, जागृत होकर के भगवान की जो सेवनमुखी जो वृत्ति है, उनकी सेवनमुखी वृत्ति इनकी जड़ इंद्रिय में एकदम चिन्मय तक को प्राप्त हुआ हठात उन्होंने देखा है। इसलिए कहते हैं प्रभु, जो हमारे अंदर में प्रवेश करते हुए हमारे अंदर में जो सोया हुआ इंद्रियों को उन्होंने क्या किया, उन्होंने जागृत करके इसके हृदय में भगवत भक्ति को आपने प्रदान कर दिया। उन्होंने हठात उन्होंने ये चीज को उन्होंने अनुभूति उन्होंने किया। अनुभूति करते हुए क्या कह रहे हैं, बोले नूनम विमुग्धम मतयो स्तव माया याते जे त्वं भवाप्य विमोक्षण मन्यते मन्य हेतो अर्चन्ति कल्पकतरु पुनपोह भग्य मिच्छन्ति जत स्पर्शजम नरक अपि निर्णाम। ध्रुव महाराज कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, मुक्त कर नित्य विषय करे जीव देह के, मुक्त कर नित्य सेवा निजोत्तर जीव देह के जन्म मरण मात के मुक्त करे नित्य सेवाए निजुक्त करे अपनी बांछा कल्प करो। कहते भगवान कैसे हैं, कहते भगवान बांछा कल्प करो, मतलब जो कुछ भगवान से प्रार्थना करो भगवान सारे इच्छाओं को भगवान पूर्ण करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति हैं बांछा कल्प करो तो है, लेकिन जो व्यक्ति भगवान की सेवा को छोड़ करके ये विषय भोग वस्तु को जो प्रार्थना करते हैं, यहाँ पर ध्रुव जी महाराज कह रहे हैं कि ये समझो वो व्यक्ति निश्चित रूप में वंचित है। जो भगवान से ये जड़ भोग को प्रार्थना करते हैं ये सब के सब निश्चित रूप में ये वंचित है। बोले कारण क्या है, बोले कारण कहते हैं ये जो शरीर क्या है, ये शरीर को भोग तो मारते हैं ना, लेकिन शरीर तो समतुल्य है, ये शरीर तो बड़ा हुआ है, हैं ये शरीर तो टाटी पेशाब का थैली है, लेकिन ये शरीर के लिए जीव जो विषय सुख को प्रार्थना करते हैं, कहते हैं वो निश्चित रूप में माया के द्वारा वंचित हो व्यक्ति हैं भोग या भोग्य नरक हो। कहते ये जो भोग जो भोग भोग है, अगर जीव जब नरक में जाता है ना, ये नरक में भी ये विषय प्राप्त होता है। विष्टा में जो कीड़े रहते हैं वो कीड़े भी ये विषय को भोग करते हैं, संसार का विषय को यही करते हैं, आहार निद्रा भय मैथुन खाते पीते सोते बच्चे जन्म देते कौन नहीं करता, ये तो सब के सब करते हैं। लेकिन भगवान तो बांछा कल्प उतरू, लेकिन इनको दर्शन करके अगर भगवान से यही विषय को प्रार्थना करे, यहाँ पर कहते हैं क्या समझो वो संपूर्ण रूप में वो वंचित है, वंचित रूप में वंचित है भगवान से। लेकिन भगवान क्या कर सकते हैं, भगवान ये जीव को, हम जो भगवान को भूल करके अनादि काल से ये माया की चक्कर में पड़े हुए हैं, ठाकुर हमें क्या कर सकते हैं, ये माया से उतार हमें निकाल करके अपना चरण में हमें भक्ति प्रदान कर सकते हैं, सेवाए में निजुक्त कर सकते हैं। लेकिन जीव क्या प्रार्थना करता है, ये जड़ तुच्छ हो। इसलिए ठीक ऐसे ही श्लोक दूसरे पुराण में कहते ना, स्थाना विलासी, श्लोक याद है, उसको याद कर लेना, बहुत अच्छा श्लोक। बोले स्थाना विलासी तपसि स्थित त्वं प्राप्तवान देवमनि द्रगुज्यं काचं विचिन्न अभिदिव्यरत्नं स्वामीन कृतार्थ अस्मि वरं न जाचे। जब भगवान बोले ध्रुव हमसे वर मांगो को क्या कहते हैं, बोले प्रभु पहले तो मैं मूर्ख था, क्योंकि मैं किस लिए आया था भजन करने के लिए, विमाता ने मेरे को गाली दी, पिताजी का गोद में तुम बैठ नहीं सकते हो, मेरे कोख से जन्म ग्रहण कर ये शरीर छोड़ करके तपस्या करते हुए, इसलिए मेरे मन में अभिमान आया है, मेरे पद को मेरे छोटा भाई लेना जा रहे हैं, मैं ऐसे भगवान को तपस्या करूंगा जैसे मेरे को ये राज सिंहासन मिल जाए और मेरे माँ राजमाता बनी जाए, इसलिए मैं तो भजन करने के लिए आया था। लेकिन प्रभु उदाहरण देते हैं, अगर कोई व्यक्ति अगर कांच की टुकड़े ढूंढते ढूंढते उसको पारस मणि मिल जाए, हैं जगत में ऐसे कौन सा मूर्ख व्यक्ति होगा जो कि कांच के पारस मणि छोड़ करके कांच के
टुकड़े को ग्रहण करेगा। इसलिए हे प्रभु आपका चरण कैसे है, बोले देव मुनिद्र गुज्यम, बोले देवता मुनि लोग के लिए भी आपका चरण कमल दुर्लभ है। लेकिन ऐसे जो चरण कमल जब मुझे दर्शन हो गया, जब मिल गया, फिर मेरे को क्यों ये विषय में फंसाना क्यों चाहते हो भगवान, इसलिए मेरे को ये तो नरक में भी ये कीड़े को भी विष्टा में जो टाट में जो कीड़े को भी प्राप्त होता है, ये नरक में भी ये विषय वस्तु मिल जाता है, खाना पीना सोना ये तो नरक में मिलता है, इसलिए हमें ये चीज जरूरत नहीं। तो इसके इसकी टीका में से विश्वनाथ चकुर ठाकुर कहते हैं, बोले क्या कहते हैं, कहते श्री ध्रुव जी को कौन सा भक्त, कहते चार तरह का भक्त है, आरती अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी। कहते चार तरह के भगवान को जो भक्ति करते हैं, ये चार तरह के व्यक्ति भक्ति करते हैं, हैं? आरती, आरती में कौन, गजराज, आरती में गर्ज गज, इसमें आरती में गजराज, आरती में गज हाथी, जब उनको पर विपत्ति पड़ी उन्होंने भगवान को बुलाया ना, आरती में गजराज हाथी को, अर्थार्थी में किसको लेते हैं, ध्रुव महाराज को, ध्रुव महाराज को, आरती अर्थार्थी जिज्ञासु में सौनकादि ऋषियों को, और ज्ञानी में चतुर्सन को, हैं जिसके चतुर्विध भजन इमाम जना सुकृत न अर्जुन, आरती अर्थार्थी ज्ञानी आरती आरती अर्थात जिज्ञासु गानी सब भरत सब। भगवान कहते हैं चार तरह का व्यक्ति मुझे भजन करते हैं, लेकिन भजन तब भी करेंगे कौन, बोले जना सुकृति न अर्जुन, अगर उनको पूर्व जन्म का सुकृति हो तब भी वो भजन करेंगे, लेकिन सुकृति नहीं होगा ना, कितने लोगों को विपत्ति पड़ता है, वो इधर भागते उधर भागते उधर भागते, लेकिन भगवान को थोड़ी बुलाते नहीं बुलाते हैं। आरती बोले अर्थार्थी जिनको पैसा चाहिए, जगत में किसको पैसा नहीं चाहिए बताओ जगत में, लेकिन भगवान को थोड़ी भजन करते और सारा दुनिया के पास में हाथ फैलाते हैं, हैं? इसलिए कहते जना सुकृत न अर्जुन, तब भी ये लोग भजन करेंगे अगर उनका पूर्व जन्म का सुकृति हो, नहीं तो भजन नहीं करेंगे। इसलिए यहाँ पर विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं, कहते मेरे न्याय जो अर्थार्थी भक्त हैं, मेरे जैसे अर्थार्थी भक्त जो अर्थों को अभिलाष कर रहा है, हैं अर्थार्थी भक्त जो अत्यंत मूढ़मति निकृष्ट हैं, कहते ऐसे जो भक्त हैं, कहते कैसे है, बोले अत्यंत मूढ़मति और निकृष्ट, नूनम निश्चिंत ही विमूढ़ मतयो, कहते निश्चित ही वो व्यक्ति विमूढ़ व्यक्ति है, तारा अपना माया द्वारा वंचित बुद्धि है यथा के, कहते जो व्यक्ति हैं साधारण अर्थ के लिए भजन करते हैं वो क्या निश्चित रूप में ये समझो उनका बुद्धि वंचित है, माया की तरह वंचित है। वो लोग कौन है, तो कह रहे हैं भवाप्य मोक्षणम जया जन्म मरण विमोक्ष अपना के तुच्छ फल जन्य अर्चना करे। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जन्म मृत्यु चक्र से निकलने के लिए क्या करते हैं, आपका चरण को उपासना करते हैं, अपना के तुच्छ फल जन्य प्रार्थना अर्चना करे, आपको प्राप्त तुच्छ फल प्राप्त करने के लिए वो लोग उपासना करते हैं, लेकिन वो लोग अत्यंत अत्यंत माया की तरह मोहित व्यक्ति जो भगवान को उपासना करते हुए ये जड़ वस्तु को जो प्रार्थना करते हैं, कहते जे निवृति स्तनुभृता तव पाद पद्म ध्यानात भव जन कथा श्रवणी न भाष्यात जे ब्रह्मणी सो महिमन्यपि नाथ माभूत किन्वंत काशी लुलितात पततात बीमानात। यहाँ पर कहते हैं बोले हे प्रभु निज जन सहित आप चरित्र कथा श्रवण करें जे आनंद लाभ है। कहते हे प्रभु अपना आपको चरण कमल को ध्यान करते हुए आपका चरण कमल को ध्यान और आपका भक्तों को साथ में आपका जो कथा श्रवण करके जो आनंद लाभ होता है, कहता आपका चरण कमल को ध्यान
आपके भक्तों का साथ में आपका चरित्र श्रवण करके जो आनंद लाभ होता है, ऐसे आनंद कहते ब्रह्मानंद में भी ये आनंद नहीं, ये आनंद ये ब्रह्मानंद में भी ये आनंद नहीं। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी क्या कहते हैं, कृष्ण प्रेमानंद जे आनंद सिंधु कोटि ब्रह्मानंद नय तार एक बिंदु। कृष्ण प्रेमानंद में जो आनंद का समुद्र है, कहते करोड़ों ब्रह्मानंद मिल करके भी उसका एक बूंद का बराबर नहीं हो सकता है। मतलब भगवत भक्त संग में जो आनंद जीव को भगवत कथा के द्वारा जो आनंद प्राप्त होता है, इसलिए कहते ब्रह्मानंद भी नहीं। जब ब्रह्मानंद में आनंद नहीं है फिर तो स्वर्गानंद में क्या है, ब्रह्मानंद तो भूर्भुव मोह जन तप सत्य उसको पर ब्रह्म लोक है, है? कि जब ये आनंद नहीं फिर तो ये स्वर्ग का जो तुच्छ आनंद है उसको सामने तो ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। कहते स्वर्ग का आनंद क्या है, बोले कार नहीं काल रूप खरगोर को द्वारा स्वर्ग आहार न जान खंडित हिले है। कहते स्वर्ग में कब तक रहते हैं, बोले तब तक स्वर्ग में रहते जावत पुण्यम न समापते, तावत संबोधंत स्वर्ग जावत पुण्यम न समापते। जब तक पुण्य खत्म नहीं हो जाता है तब तक स्वर्ग में ये निवास करते, तब तक उदाहरण देते हैं स्वर्गारण जान जो स्वर्ग में आरण रूपी जो जान है खंडित हैले देवता रहा वो पतित है। कहते देवता लोग भी पुण्य समाप्त होने के बाद उनका भी पतत पतन होता है, अतः फिर ये देवता का बात हम क्या बोलेंगे है। इसका मतलब भगवत कथा में जो आनंद है, कहते तो हमारे बृहद भागवतामृत में बता रहे हैं, वहां पर बताते हैं इसी मर्त्य जगत में रहते हुए भी भक्तों को जो कृष्ण कथा में जो आनंद प्राप्त होता है वो साक्षात गोलोक वृंदावन की अनुभूति करते हैं। कहते तो भक्त लोग इसी जगत में गोलोक वृंदावन की अनुभूति करते हैं जब भगवत भगवान की सुंदर सुंदर कथाओं को श्रवण करते हैं, इसी मर्त्य जगत में वहां तो है ही है, ये मर्त्य जगत में भी भक्त लोग क्या करते हैं उसको इतने आनंद भगवत कथा में होता है, यहीं पर गोलोक वृंदावन के आनंद का अनुभूति करते हैं भक्त लोग। इसलिए कहते हैं ये इसका मूल अर्थ है। तब विश्वनाथ चक्र ठाकुर इसका टीका में कहते हैं, कहते अगर स्वर्ग है, अगर स्वर्ग नश्वर है, स्वर्ग नश्वर है, अगर आप स्वर्ग जाना नहीं चाहते हो, अगर ध्रुव जी को पूछा जाए अगर आप स्वर्ग जाना नहीं चाहते हो फिर तो आप मुक्ति ले लो, क्योंकि जो मुक्ति में भी जो आनंद बताया ना, कहती है मरते जगत में जितना आनंद है स्वर्ग में इससे सौ गुण ज्यादा आनंद है, और स्वर्ग में जितना आनंद है उसका सौ गुण मोहलोक में, मोहलोक में जितना आनंद है उसका सौ गुण जनलोक में, सौ गुण तपलोक में। ऐसे करते करते जो मुक्ति में जो आनंद बताया है, बोले जो अथा आनंद है, जो आनंद की सीमा नहीं। कहते अगर आप स्वर्गानंद को नहीं चाहते बोले आप क्या लो, अरे मुक्ति आनंद को ले लो है, आनंद को आओ। बोले नहीं नहीं, फिर कहते ना ना, कहते नहीं नहीं, कहते जे आनंद कथा श्रवण है अपना निज जन संगे, कहते आपका भक्तों को साथ में आपकी कथा सुन करके जो आनंद प्राप्त होता है, इसलिए कहते भक्त कथाते हो ध्यान वो जे आनंद ब्रह्मानंद नहीं। इसलिए भक्तों को साथ में कथा में जो आनंद वो आनंद ब्रह्मानंद में भी वो आनंद नहीं है। कहते ये सुख स्वर्गो नाही है, आर की बोली वो ये स्वर्ग ये आनंद स्वर्ग में भी नहीं। कहते अपनार भक्ति प्रकृत पक्ष फल अपनार भक्ति, कहते आपका भक्ति का वास्तव रूप में फल क्या है, आपको भक्ति जो करते हैं ये भक्ति करने का वास्तव फल क्या, बोले भक्ति, भक्ति का फल क्या, भक्ति ही वास्तव उसका फल है। इसको द्वारा ये समझाते जो भक्ति है ये स्वतंत्र है, भक्ति किसकी अपेक्षा नहीं करता है, इसलिए भक्ति को सर्वतंत्र स्वतंत्र रूप में यहाँ पर स्थापन करते हैं। इसको बाद में ये जो श्लोक है बहुत अच्छा श्लोक, कोशिश करना ये श्लोक को याद कर लेने के लिए। बोले भक्ति मोह प्रवहता प्रसंग भुआ दनत महता अमलाशयानम
जेना जसलोण मुरु व्यसनं भवाब्धि नेस्से भवत गुण कथा मृतपानमत्त। ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। अभी यहाँ प्रश्न हो रहा है, यहाँ पर भक्त ये साधु साओं क्यों चाह रहा है, कारण क्या है? यहाँ पर तो ध्रुव जी को भगवत दर्शन प्राप्त हो गया, इससे बड़ा चीज को थोड़ा कुछ हो सकता है। लेकिन ध्रुव जी को जब उन्होंने ठाकुर जी कहे तो वर मांगो, तब उन्होंने ये साधु संघ क्यों चाहता है, ये हरि कथा क्यों चाहता है, इसके क्या शक्ति हरि कथा में? ये श्लोक बहुत बहुत महत्वपूर्ण ये श्लोक है। ये कोशिश करना ये श्लोक को याद कर लेने के लिए। कहते हे अनंत, हे कहते हे ठाकुर जी, हे अनंत, जितने शुद्धात्मा पुरुष, जो शुद्ध आत्मा जो साधु लोग हैं, क्या करते हैं, आपको भक्ति करते रहते हैं, हैं? आपका भक्ति जो शुद्ध साधु जिनके हृदय शुद्ध अंतकरण हो गया, वो हर समय आपकी भक्ति करते रहते हैं। हाँ, कहते ऐसे जो साधु लोग हैं उनके साथ में मेरे प्रकृष्ट संग लाभ हो। कहते उनका साथ में मेरे प्रकृष्ट रूप में पूर्ण रूप में ऐसे भक्तों का संग हो। कैसे भक्तों का संग हो? जो शुद्धात्मा पुरुष हर समय आपका भक्ति करते रहते हैं, ऐसे भक्त हो। कहते कारण क्या, ऐसे भक्त का संग को तुम प्रार्थना क्यों करते हो? बोले कारण है, कहते ऐसे जो महान जो साधु लोग हैं, कहते उनको साथ में आपकी जो कथामृत पान को द्वारा उन्मत्त हो करके ये जो दुखमय जो संसार है, संसार कैसे है? कहते भीषण भव समुद्र, जिसमें केवल दुखालयम अशाश्वतम, कहते जिस भवसागर को पार होना बड़ा कठिन है, ऐसे जो भीषण जो भव समुद्र में अनायास में पार हो जाऊंगा भवसागर को। किसको द्वारा? आपका जो शुद्धात्मा जो भक्तों का संग में हरि कथा सुनते सुनते पार हो जाऊंगा। कहते ये है, ये मूल मीनिंग है। लेकिन विश्वनाथ चक्र ठाकुर इसी श्लोक को टीका में कहते हैं, टीका में कहते हैं, जैसे हम भगवान की कीर्तन करते हैं, कथा करते हैं, हरि चर्चा करते हैं, लेकिन किसको साथ में करनी चाहिए? यहाँ पर कह रहे हैं, कहते ये जो आनंद है ना, कहते भक्त के बगैर ये आनंद प्राप्त नहीं होगा। यहाँ पर कह रहे हैं ध्रुव भक्तों का संग क्यों चाहते हैं? शुद्धात्मा जो पुरुष है, हैं, जिनका आत्मा शुद्ध हो गया, निरंतर जो भक्ति करते रहते हैं, कहते ऐसे भक्तों के साथ में कृष्ण कथा क्यों चाहते? कारण क्या? बोले कारण है, कहते ना, हाँ, एक तो सजातीय आश्रय सिद्ध, जो अपना निज जातीय भक्तों के साथ में संग करनी। कहते हैं अवैष्णव मुखद गिरनम पुतम हरि कथा मृतम श्रवण नैव कर्तव्यम सर्पचिष्ट जथाभय। हैं, जैसे दूध देखने के लिए तो दूध है, लेकिन अगर उसमें सांप मुंह अगर मार देगा तो दूध क्या हो जाएगा? वो जहर बन जाता है, वो जहर बन जाती है। इसलिए कहते उसी तरह जो कृष्ण कथा, किसको साथ में बैठ करके ये कृष्ण कथा हमें विवेचना करनी चाहिए? कहते जो जिनके हृदय में केवल भगवत सेवा, भगवत भक्ति की जिनके हृदय में इच्छा है, जिनका हृदय शुद्ध भक्त है, कहते उनको साथ में बैठ करके जब हम हरि कथा करेंगे, हैं, जब उनको साथ में हम हरि चर्चा करेंगे, तब वो हरि चर्चा में विश्वनाथ चक्रधर कहते हैं वह विशेष आनंद की प्राप्ति होगी। लेकिन साधारण व्यक्ति को साथ में अगर हम हरि चर्चा करेंगे वो आनंद प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि उसका उद्देश्य ही अलग है। इसलिए अभी जो हरि चर्चा कर रहे हैं हरि कथा, वो देखो उसका हृदय में क्या काम है। इसलिए एक समय कुछ कीर्तन करने के लिए कुछ लोग आए, और कीर्तन करते करते निताय गौर करते तो चले गए। गौर विश्वदास बाबा जी महाराज कहते हैं वो स्थान का जो मिट्टी है ना अपवित्र हो गया, उसको मिट्टी को काट कर वहाँ से फेंक दो। बोले क्यों? वहाँ तो निताय गौर नाम कर रहे थे, आप क्यों कहते हो मिट्टी को? बोले निताय गुरु नहीं कर, टाका कर रहे थे, हैं, मतलब वो पैसा कर रहे थे, वो निताय गुरु नहीं कर रहे थे, वो निताय गुरु क्यों कर रहे थे?
वो पैसा मिलेगा, अगर पैसा नहीं देगा तो वो निताईगुर निताईगुर करते क्या वहाँ पर बैठ कर? वो करते नहीं, कहते कारण ये वहाँ जो बैठ करके जो कथा कर रहे थे उसका उद्देश्य यही था हमें पैसा मिलेगा, तभी वो कथा कर रहे थे, इसलिए कीर्तन कर रहे थे। इसलिए यहाँ पर कहते हैं, लेकिन जब एक शुद्ध भक्त जो निष्काम होकर के केवल भगवत प्रेम के लिए जब वो हरि चर्चा करते हैं, हरि कथा करते हैं, तो उसमें विशेष 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 उसमें स्वाद की प्राप्ति होता है। इसलिए विश्वनाथ ठाकुर कह रहे हैं, हाँ कहते सवर्गे बाहु आसफाल न प्रको बलते छे, यहाँ पर बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। कहते अगर ऐसे भक्तों का संग मिल जाए, इसलिए कहते ना कृष्ण रस भाविता मति क्रियताम कुत्ता भी जद्दि लभ्यते तत्र लौलमूल्य में कलम कुटी सुकृत रेप न लभ्यते। अगर ऐसे कृष्ण रस भक्ति में जिनके मति संपूर्ण रूप में शराब रूप हुआ हो, अगर ऐसे भक्तों का संग अगर मिल जाए, गुरुदेव क्या कहते अपना सर काट करके भी ऐसे संग को मोल लो, ऐसे संग को आप मोल लो। इसलिए कहते सब वर्गे हैं, कहते सगर्भे, सगर्भ मतलब गर्व को साथ में कहता है क्या आस्फालन, आस्फालन मतलब क्या होता है, आस्फालन मतलब बड़े अहंकार पूर्वक है अपना गर्व को साथ में अहंकार आस्फालन करते हुए कहता है क्या कहता है, है? कहते हैं उल्लोणमपी, कहते जो भवसागर है बड़े बड़े बड़ी विपत्ति भवसागर में, आप भजन करने के लिए जाओ कितने बाधा है भक्ति में, कितने बाधा है भक्ति में, है भक्ति में कितने सारे बाधा है, लेकिन यहाँ पर कहते हैं जो भव समुद्र है पार करना बड़ा कठिन है, लेकिन अगर ऐसे भक्तों का अगर संग हो जाए ना, हम अभी आस्फालन करते हुए और गर्व के साथ में हम कहते हैं क्या कहते हैं, कहते जितने कष्ट आना चाहते हैं आने दो, जितना कष्ट आना चाहते हैं आने दो, लेकिन ये हमारे कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। बोले क्यों, हमें ऐसे भक्तों का संग मिला है जिस भक्तों के संग में हम हरि चर्चा सुनते सुनते हरि कथा करते करते आसानी से ही भवसागर से हम पार हो जाएंगे। इसलिए जो मूल वस्तु है भक्तों का संग है, जो शुद्ध भक्तों का संग ही ये मेन वस्तु है। अगर ऐसे भक्तों का संग मिल जाए ना, इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, कहते कि करते पार काम क्रोध साधक करे, कहते ये काम क्रोध साधक का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। कहते सिंघर अबे करीगण जथा, उदाहरण देते हैं जब शेर दहाड़ मारता है ना, बड़े बड़े हाथी भी जिनके दहाड़ सुनकर भाग जाते हैं। कहते उसी तरह भगवत कथा रूपी शेर की दहाड़ सुनते ही हाथी मतलब जो काम क्रोध लोभ मोह क्या करता है, ये सब के सब भाग जाता है, हैं सब के सब भाग जाता है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, कहते हमारी ये काम क्रोध हमारी कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। कहते की प्रकार भैया ताहते बोलते छेन भवत गुण कथा मृत पान मत, कहते हैं कैसे वो कथा है, कहते आपका कथा पान में जो मत हो जाते हैं, इसलिए क्योंकि आपकी जो कथा है कथा कैसे, बोले तब कथा अमृतम, तब कथा मृतम, आपकी कथा अमृत है जिसको पान करने से जीव अमरत्व का प्राप्त करता है। उसको पान करने पर क्या होता है, जैसे शराब होता है ना, इसलिए भागवत में कथा को आसव बताया, आसव मतलब क्या शराब, जैसे शराब को आप सवेरे पियो रात को पियो सवेरे नशा उतर जाती है, लेकिन कृष्ण कथा रूपी शराब को पान करो इसका नशा कभी उतरती नहीं, इसका नशा बढ़ती रहती, इसका नशा बढ़ती रहती उतरती कभी उतरती नहीं। इसलिए यह कहते हैं, कहते हे प्रभु आपकी कथा मृत पान मत, आपका गुरु कथा अमृत तार पान द्वारा मत हो करके इसी जगत को स्पर्धा अवज्ञा दोष प्रभुति संसारी के धर्म समूह कख नहीं मत जन के दुख देते बारे ना। कहते संसार का जितने दुख है अगर सचमुच से कोई भगवान की कथा रूपी शराब को अगर कोई पान करे अमृत को पान करे, कहते संसार का कोई दुख कष्ट उसको दुख कष्ट नहीं दे सकता है। जैसे उदाहरण देते हैं ना, जैसे श्रीवास पंडित महाप्रभु कीर्तन नृत्य कर रहे थे, अपना बेटा मर गया, अपना बेटा मर गया, लेकिन जब उनने सुना माताएं रो रही गए, बोले क्यों रोए रो रहे हो, बोले तुम्हारे एक लौता बेटा मर गया ना, बोले मर गया तो तुम क्यों रो रहे हो, देना ठाकुर ने और ले लिया ठाकुर तो बीच में क्यों रो रहे हो, बोले तेरा बेटा है, बोले मेरा बेटा क्या,
वो कितना सौभाग्यवान, तो देखो एक दिन तो मरना ही है, ये मरना ही सख्या। तो महाप्रभु जहाँ पर नृत्य कीर्तन कर रहे हैं उसको सुनते सुनते मैं तो चाहता हूँ भैया मेरा भी तो ऐसे मृत्यु हो, एक दिन तो मरना ही है, मेरा तो ऐसे मृत्यु हो, कितने सौभाग्यवान तो समझो। इसलिए बेटा मर गया लेकिन मरने पर भी कोई दुख नहीं, क्यों? भक्तों का संग, हरि कथा रूपी हाँ मदिरा को पान कर रहे, अमृत को पान कर रहे, इसलिए कहते जगत का कोई भी दुख उसको सता नहीं सकता है। और मृत्यु वो अमृत पान कर ले स्पर्श करते समर्थ है ना, कहते मृत्यु हैं, इसलिए ये मृत्यु भी कृष्ण कथा अमृत है, इसलिए अमृत को पान करने पर मृत्यु भी उसको कुछ बिगाड़ नहीं कर सकता है। एखाने संगेर सत्संग है तो उत्थित भक्ति द्वारा ही श्री भगवान रे साक्षात्कार करिया पुनराय से ही सत्संग रे प्रार्थना कारण भक्ति रे कारण भक्ति स्वयं भक्ति सत्संग ही भगवती भक्ति व्यक्त है। ल भगवान रे साक्षात करिया, तो यहाँ पर विश्वनाथ ठाकुर कह रहे हैं कि ध्रुव जी को तो भगवत दर्शन हो गया, हम भक्ति क्यों कर रहे हैं, किसलिए भक्ति कर रहे हैं, एक दिन नहीं भगवत प्राप्ति हो, इसलिए इनको भक्ति किया उनको तो भगवत प्राप्ति हो गया, ठाकुर का दर्शन तो हो गया उसको। लेकिन यहाँ पर ठाकुर का दर्शन होने का बाद में भी पुनराय फिर क्या मांग रहे हैं, सत्संग। इसलिए प्रभु हमें सत्संग प्रदान करो हैं, कहते इस तरह का तात्पर्य किया, बोले भक्ति के कारण वो भक्ति, भक्ति का कारण क्या है, भक्ति का कारण भी भक्ति, फल स्वयं भक्ति सत्संग यही अभिमत व्यक्त है। इसलिए भक्ति का कारण भक्ति स्वयं भक्ति ओ सत्संग ही यही अभिमत व्यक्त है। इसलिए कहते हैं सत भक्ति का कारण क्या, भक्ति, इसका मतलब सत्संग को ही प्राप्त करने के लिए भक्त चाहता है। इसलिए कहते ने तेना स्मरन्ति अतितरम प्रियमी समर्थ्यम जे चान्वद सुत सुहित गृह वित दारा जे त्वजम नाब्ज भवदीय पदार बिंद सौगंध लुप्त हृदय जे सुकृत प्रात प्रसंगा। यहाँ कहते हे प्रभु आपका जो पाद पद्म, कहते हे ईसा, इसको बाद में और एक श्लोक, हे ईसा कहते पद्मनाभ जहार भवदीय पदार बिंद सौगंध लुब्ध चित है महात्मा गण प्रकृष्ट संग लाभ करे तारा निरतिशय प्रिय ऐ देह के तत्सम्बन्धीय पुत्र सुयुद गीह बीत कलत्र यादरे की थुई चिंता करे ना। यहाँ पर कह रहे हैं कहते हे प्रभु, कहते हे पद्मनाभ, जो व्यक्ति आपके पदार बिंद में जो मधु, वो मधु का सौगंध में जिसका हृदय संपूर्ण रूप से लुब्ध चित है, हैं? जो आपकी चरण की कमल, चरण रूपी कमल में संपूर्ण लुब्ध चित है, जिनका चित्त भौरा जैसे उसको मौरा मर्राते हैं, उसी तरह आपकी चरण कमल में जो हर समय मर्राते हुए उसमें जो लुब्ध चित जो महात्मा गण हैं, जो लोग ऐसे भक्तों का संग को प्राप्त करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो क्या होता है, तारा निरतिशय प्रिय ऐ देह के, ये शरीर कितना प्रिय है, हैं शरीर हमारी कितने प्रिय शरीर है, कहते इसकी संबंधी जो पुत्र सुहित गृह बीत कलत्र, ये लोग इसका कुछ भी चिंता नहीं करते हैं। कहते उनका रहता है क्या, उनका रहता नहीं, उनका भी रहता है, स्त्री पुत्र परिवार रहता तो है, लेकिन रहने पर भी भक्तों का वो कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है, क्योंकि उनका हृदय हर समय भगवान की चरण कमल रूपी मधु में हर समय उसमें ही लुब्ध चित है, और ऐसे भक्तों का संग उसको प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर विश्वनाथ ठाकुर इस श्लोक ऊपर में टीका में कहते हैं, यदि बोले, अगर बोलते हैं देखो ताहले क्या ताहा देहादी और स्त्री पुत्रादि विद्यमान थाकते कि निश्चित रूप उद्वेग दुर्बारणी, इसलिए कहते हैं ऐसे
हाँ, जब अगर कोई कहता है ऐसे सत्संग प्राप्त होने का बाद क्या ऐसे भक्तों का स्त्री पुत्र परिवार क्या उनको उद्वेग प्रदान नहीं करते हैं, ऐसे स्त्री पुत्र परिवार क्या उनको उद्वेग प्रदान नहीं करते हैं, इसको तो दुर्वारणीय, मतलब जिस उद्वेग को अगर कोई संसार में रह रहे उनका स्त्री पुत्र परिवार है, हैं क्या वो स्त्री पुत्र परिवार में रहते हुए क्या वो कोई दुख कष्ट भोग नहीं करते, उनको तो त्याग करना बड़ा कठिन है, हैं। तो उसके कह रहे हैं सही भक्तगण अत्यंत प्रेमस्पद है ले ओ मर्त्य मरण धर्म शील देह के न स्मरंती, कहते वो लोग संसार में रहने पर भी स्त्री पुत्र परिवार में रहने पर भी ये जो मरणशील जो देह को वो लोग स्मरण नहीं करते हैं, अर्थात देह को न अनुसंधान नहीं करे ना, लेकिन वो लोग ये शरीर संबंधी वस्तु में कुछ भी अनुसंधान नहीं करते हैं। कहते यही देह के अवलंबन करे वर्तमान जे पुत्रादि तादरे हो कौन चिंता करे ना, कहते ये देह को अवलंबन करते हुए जो वर्तमान जो स्त्री पुत्र परिवार को सब कोई भी चिंता नहीं करते हैं। कहते वो लोग कैसे हैं, बोले हर समय आपकी चरण कमल रूप में जो कमल में मधुकर जैसे हर समय जो उसमें मढ़रा रहे हैं, इसलिए संसार का कोई भी दुख कष्ट उसको मुझमान नहीं कर सकते। लेकिन इसलिए जैसे महाप्रभु का बहुत सारे भक्त ऐसे थे, हैं बहुत सारे भक्त जैसे अद्वैताचार्य ये भी अद्वैताचार्य ये भी गृहस्थ भक्त है, महाप्रभु का बहुत सारे ऐसे गृहस्थ भक्त श्रीवास पंडित भी है, हैं। लेकिन ये संसार में रहते हुए भी स्त्री पुत्र परिवार में रहते हुए भी लेकिन भक्तों का संग प्राप्त होने का नाते उनका स्त्री पुत्र परिवार सबके सब रहते हुए भी इनका कोई उसमें साथ में इनका कोई संबंध नहीं, उसमें रहते हुए भी नहीं रहते थे। इसलिए जो मूल वस्तु है क्या है, मूल वस्तु भगवान भक्तों का संग ही, कहते यहाँ पर मूल वस्तु है। हाँ, तादर संसार भय की रूप है वे जेहेतु अपना भ्रुकुट रूप, कहते उनका क्यों संसार में रहते हुए भी उनको किस लिए दुख कष्ट उनको नहीं लगता है, कहते जिनका है कि भ्रुकुट में कहते त्रिनेमी शीत ग्रीष्म और वर्षा, कहते भगवान की एक इच्छा मात्र से ही कहते जो शीत है मतलब जो ठंडा है जो ग्रीष्म है ये जो वर्षा है, हैं कि जितना सबके सब क्या होता है भगवान के चरण में केवल इनकी इच्छा मात्र से ही काम करते हैं, हैं। इसलिए संवत्सर काल अपना शरणागत विहीन व्यक्ति पुनः पुनः जन्म मरण भय सृष्टि करे, ये जो तीन चीज है शीत ग्रीष्म वर्षा ये किसको सताता है, जो भगवान की भजन नहीं करते हैं। लेकिन जो तुम्हारी भोजन करने पर हमारी जठर अग्नि जैसे सबके सब क्या करता है उसको हजम कर देता है, कहते उसी तरह जो भक्ति भी क्या करता है ये जो लिंग शरीर को ऐसे ही दग्ध कर देता है। इत्यादि वाक्य द्वारा भक्ति अनुसंग फल संसार निवृत्त अवश्य है, ताकि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करते हैं उनको ये संसार कैसे दूर हो इस चीज को चिंता करने का कोई जरूरत नहीं। इसलिए बोले भक्ति परेशान भव विरक्ति अन्यत्र, भगवान की भक्ति करने का साथ साथ भगवत अनुभूति और भगवत अनुभूति होने का साथ साथ में क्या होता है ये संसार अपनी आप दूर हो जाता है। इसलिए यहाँ पर मेन वस्तु क्या है, ऐसे भगवान की जो शुद्ध भक्तों का अगर हमें संग प्राप्त अगर हो गया तो समझो हमारे जीवन कल्याणकारी हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर ध्रुव महाराज भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवत दर्शन होने का बावजूद भी क्या चाहते, बोले प्रभु आपकी ऐसे भक्तों का दर्शन ऐसे भक्तों का संग हो, कैसे भक्तों का कैसे भक्तों का हाँ। इसलिए जैसे मधु मधुकर जैसे हर समय मधु आप देखना हर समय भंवरा क्या करता है कमल पुष्प को पर हर समय मंडराता रहता है, हर समय पिएगा पी कर फिर उठेगा देखना चार चार फिर मंडराएगा, हैं कहते ऐसे। इसलिए भगवान के चरणों को क्या उदाहरण दिया, चरण कमल, इसलिए उदाहरण देते हैं चरण कमल। इसलिए आपकी चरण कमल में जो भक्त लोग हर समय उसी में ही मंडराते रहते हैं, भले ही जीवन में जितने दुख कष्ट आए हैं भगवान भक्ति को नहीं छोड़ करके
भगवान की चरण कमल में हर समय मंडराते रहते हैं और उनकी चरण कमल का मधुर को जो हर समय आस्वादन करते रहते हैं, ऐसे भक्तों का हमें संग मिल जाए तो हमारे जीवन कल्याण हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं कृष्ण रस भाविता मती, हाँ उस श्लोक में इसलिए बोले। और एक श्लोक में भक्तों का हाँ, और एक श्लोक में हाँ गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल भद्र।